अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज सेकंड डे है, मैं ऑनलाइन हो गया हूँ। कल कुछ रीजंस की वजह से मैं राइड्स ज़्यादा नहीं ले सका, 4 राइड्स ली हैं। सो आज के दिन और कल के दिन अब रिमेनिंग जितनी भी राइड्स बनती हैं लाइक 24 राइड्स, तो आज मैंने 12 राइड्स तो लेनी ही लेनी है। अब 12 से ज़्यादा मैं जितने भी लेता हूँ वो मेरे पे है, मैं फिर बोनस क्वालिफाई कर लूँगा। एटलीस्ट नेगेटिव ना रहे, जितना भी मैं अर्न करूँ उससे ज़्यादा ही मुझे आए। सो ये मेरा टारगेट है, ताकि जो नेक्स्ट वीक अगर कुछ ना कुछ पैसे मुझे मिल जाएं, नुकसान ना हो। तो अभी मैं ऑयल चेंज कराने जा रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट राइड्स। देख सकते हैं गाड़ी की जो मीटर रीडिंग है, ऑलमोस्ट 101,000 किलोमीटर चल चुकी है, बल्कि उससे ज़्यादा। तो ऑयल चेंज मस्ट हो गया। सो आई एम थिंकिंग कि बस ऑयल चेंज करा लूँ, फिर इंशाल्लाह राइड्स में। सो फाइनली बस मैं पहुंच गया हूं, मैं अपनी राइड भी ऑफ कर दूं, क्योंकि डेस्टिनेशन लगाई हुई थी वो मेरी वेस्ट नहीं हुई। सो आई हैव जस्ट रीच्ड, अब मैं ऑयल चेंज करवा लूं। सो कैल्टेक्स की प्रमोशन में मैंने अपनी एंट्री करा ली है, दुआ करें कि कोई गाड़ी शाड़ी निकल आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये सबसे बेस्ट चीज़ है ऑयल की रीडिंग के लिए, अक्सर बंदा भूल जाता है कौन सी डेट कौन सा टाइम है। सो ये बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंतज़ार के बाद मुझे आ गई है राइट, और लेट्स सी गाइस। ऊबर की सबसे अच्छी बात 5 मिनट का वेटिंग टाइम देता है, और आई थिंक इट्स फाइन। जैसे ही आप 5 मिनट का वेट करें, आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस भी आ जाती हैं उसको कैंसिल करने की। सो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं, और 4 बजे की मैंने डेस्टिनेशन लगाई थी राइड, मुझे वापस G11 ले आई है। सो डेस्टिनेशन का फ़ायदा समझें कि कितना फ़ायदा है। अब मैं G11 आया हूँ, मेरा माइंड फिर चेंज हो गया है कि मैंने रात 10 बजे तक घर चले जाना है या उसके पास। तो D12 इसलिए लगाया है ताकि E11 तक की मैक्सिमम मुझे राइड आई, अगर आगे की भी आती है मज़ीद चांस हो जाए मेरे पास कि मेरे घर के पास पास मुझे राइड मिल जाए। गाइस कभी आपको छोटी राइड भी मिल जाती है, ये जो मैंने डेस्टिनेशन लगाई है, इस डेस्टिनेशन लगाने का मुझे फ़ायदा हुआ। अब आप देखिएगा कि मेरी राइड्स पूरी होना शुरू हो जाएंगी लाइक दिस। ये मेरी 6th राइड है। सो लेट्स सी कि मैं 12 राइड्स कर पाता हूँ या नहीं। फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद आई गॉट अ छल्ली और 20 रुपये वापस। मैंने उसको कहा यार कोई अच्छा दाना दे दे, बट ही डिडंट लिसन। सो ही कन्विंस्ड कि यही है मेरे पास बेस्ट, और इसने बहुत मसाला लगा दिया है। ओ माई गॉड, आप लोगों को चिली किसको पसंद है, ज़्यादा मिर्चें या कम? मैंने कहा नींबू ज़्यादा लगाना है, लेकिन उसने सही लगाया है। गाइज हम करीम उबर वालों का नहीं पता होता, बुराक वालों का नहीं पता होता किस लम्हे कहाँ है। अभी तकरीबन 5:30 हो रहे हैं, असर की नमाज चली ना जाए, तो इससे पहले कि नमाज चली जाए मैं नमाज जल्दी से पढ़ लूँ और फिर ऑनलाइन होंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नमाज के बाद। कैसी लगी आपको मस्जिद माशाल्लाह? सो नमाज का पार्ट ऐड करने का मकसद, हम सारा दिन इतना थक जाते हैं, एक तो साफ़ सुथरा भी हो जाते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं, और इबादत भी हो जाती है। तो नमाज को टाइम दें अपनी राइट्स के साथ साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली राइड अभी मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ड्रॉप की है, सो अब मुझे 8th राइड मिल गई है, लेट्स सी। गाइस अभी राइड को मैंने ड्रॉप किया है, 8 ट्रिप्स कर लिए हैं, और मेरा टारगेट 12 ट्रिप्स का है। सो लेट्स सी मैं कर पाता हूँ या नहीं, लेकिन मेरी अर्निंग काफ़ी अच्छी होगी, बट आई स्टिल नीड राइड्स। सो फ्लैश तो अवेलेबल नहीं है, ये भी मैंने डाटा केबल ली है 150 की, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। दिस इज़ द डाटा केबल विच आई एम यूजिंग। ये मैंने अभी 2 ली हैं, बिकॉज मुझे नॉर्मल जो USB वाली है ना टाइप सी के अलावा की, वो चाहिए होती है। सो आई गॉट इट, आई थिंक इट्स गुड। अभी मैंने इसको फ़ोन के साथ चार्ज किया, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर तो मुझे राइड नहीं आती तो आज की वीडियो इधर ही हम क्लोज करेंगे, और इसका मतलब है कल के दिन मैंने 15 ट्रिप्स करने हैं। सो आई डू इट नो प्रॉब्लम। आज का कैश मेरे पास बहुत अच्छा है, सो इट्स लाइक नो प्रॉब्लम। गाइज प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे घबराते नहीं हैं। आप मुझे बताएं कि क्या कल मैं 15 ट्रिप्स कर पाऊँगा या नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल गोइंग टू डू इट।
और कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।